डियर कामनी, मैं जानता हूं तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। तुम तो जानती हो हम किन हालात से गुजर रहे हैं। मैं आज वो करने जा रहा हूं जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए, पर शायद यही करने में तुम्हारे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना पर। Superstar Rehan Khan shot dead at a film premiere by producer Dhiren Shah. Shocking. अरे प्रीमियर में इतने सारे लोगों के सामने किसी का खून करना, वो भी रेहान खान जैसे सुपरस्टार का। सुना है कि धीरेन शाह ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। गुनाह कबूल किया नहीं, करवाया जाता है। और प्रोसिक्यूटर माया फडनिस को ये बखूबी आता है। वैसे माया, तुम्हारे खिलाफ उस प्रोड्यूसर की तरफ से एक केस कौन लड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कोई इतनी हिम्मत कर सकता है। ऊपर से हमारे प्रोसिक्यूशन का केस इतना पक्का है कि उसे तोड़ना नामुमकिन है। जो भी मेरे खिलाफ ये केस लड़ेगा वो हार जाएगा। धीरेन शाह का बचाव करना यानी कि गलत केस को हाथ मिले। केस कभी सही या गलत नहीं होता पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस माया फडनिस। सही या गलत सिर्फ फैसले होते हैं। केडी, तुम ये केस लड़ोगे? क्यों घबराहट हो रही? मैं क्यों घबराने लगी? घबराना तो तुम्हें चाहिए। प्रोसिक्यूशन के लिए ये एक ओपन और शट केस है। माया, जो आसानी से शट हो जाता है वो आसानी से ओपन भी हो जाता है। वैसे नो नीड टू वरी, अब तक मुझे ये केस लड़ने को किसी ने कहा नहीं। केडी। यस मिसेस शाह। जी मैं आकर मिलता हूं। हाँ माया, टाइम टू वरी, अब तुम्हें चिंता करनी चाहिए। मिसेस धीरेन शाह का फोन था। अरे अरे कहाँ चले आ रहे आप लोग? हमें प्रोड्यूसर धीरेन शाह से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकती हैं? क्यों नहीं मिल सकते? हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने सुपरस्टार रेहान खान का खून क्यों किया। ये तो आपको इंस्पेक्टर दवे ही बता सकते हैं। रियान खान को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उसे, गोली किसी और ने चलाई थी, मैंने नहीं। Thank you.
एक्सक्यूज मी, ये पर्सनल चीजें हैं, इसे आप चेक नहीं कर सकते। बैंक के लोग हैं, घर की चीजों की नीलामी होने वाली है, आपको तो पता ही होगा। हाँ पता है मुझे, सारे अखबारों में और टीवी चैनल्स पर यही न्यूज चल रही है कि आपके पति ने फिल्म बनाने के लिए बैंक से 30 करोड़ का कर्जा लिया था। रेहान खान ने फिल्म आधे में छोड़ दी और आपके पति को बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से रेहान खान का मर्डर किया। सारी बातें सच हैं, सिवाय इस बात के कि धीरेन ने रेहान का मर्डर किया। ये आपको कैसे पता? वो गई थी इसी इरादे से, पर गोली चलने से पहले ही गन जैम हो गई। गन जैम हो गई। और इसी बीच किसी ने भीड़ में गोली चलाकर रेहान को मार डाला। आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना, इसके पहले 5 वकीलों ने इस केस को लेने से इनकार कर दिया है। आप चाहें तो आप भी ना कर सकते हैं, पर मुझे पता है कि धीरेन ने मर्डर नहीं किया है। धीरेन खूनी नहीं है। मम्मी मम्मी, ये लोग हमारे घर को क्या कर रहे हैं? बेटा, यहाँ पापा की फिल्म की शूटिंग होने वाली है, ये लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो पापा कहाँ है? पापा वो शूटिंग की तैयारी करने गए हैं, आ जाएंगे। कब आएंगे? उन्होंने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे मैचिंग बॉक्स में हेल्प करेंगे। जल्दी आ जाएंगे बेटा, तुम्हारे पापा जल्दी आ जाएंगे। बच्चों थोड़ी देर बाहर खेलो। आपकी शादी के कितने साल हो गए? 8.5 साल। मैं चलता हूँ, अगर केस के बारे में और कोई डिटेल चाहिए होगी तो आपको फोन करूंगा। इसका मतलब आप केस ले रहे हैं? ऑब्वियसली। थैंक्स। आइए। मैम किसी ने आपके लिए फूल भेजे। ये फूल घर में कोई शुभ अवसर है। डोंट माइंड मैं जरा कार्ड। Sure. कोई नाम नहीं काट। आपको मैं कीप दिस कार्ड। या आप आई फाइंड माय वे। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, हमारा आज का केस जितना हाई प्रोफाइल है उतना ही सिंपल है। हाई प्रोफाइल क्योंकि हमारे देश के मशहूर और लोकप्रिय फिल्म स्टार, अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस नीलिमा जोशी के पति सुपरस्टार रिहान खान की हत्या हुई। और सिंपल इसलिए क्योंकि इस हत्या के 19 करोड़ से भी ज्यादा चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने प्रोड्यूसर धीरेन शाह को रेहान खान पर गोली चलाते हुए लाइव टेलीविजन पर देखा। नहीं मिलोर, नहीं, मैं उसे मारने गया था लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई, मेरी गन तो जाम हो गई थी, गोली किसी और ने चलाई थी मिलोर। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर शाह आप तभी बोलेंगे जब आपको इजाजत दी जाएगी। यू मे प्रोसीड मिस प्रोसिक्यूटर। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये एक ओपन और शट केस है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, जो आपने शट किया मैं उसे ओपन किए देता हूं और जो आपने ओपन किया उसे मैं शट किए देता हूं। योर ऑनर, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा से पूछना चाहता हूं कि इनके जो 19 करोड़ गवाह है वो किस बात के गवाह है? रेहान खान का कत्ल हुआ उसके, या मिस्टर धीरेन शाह के गन से गोली निकली जिसके कारण रेहान खान का कत्ल हुआ उसके? ऑब्वियसली दोनों एक ही बात है। ना 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 ना, बातें बिल्कुल अलग अलग है। खैर इसका फैसला ना तो आप करेंगी ना मैं, इसका फैसला करेगा टीवी चैनल्स का वो फुटेज। डोंट माइंड। ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैं अब अदालत को उन 9 चैनल के कंबाइंड फुटेज का मिक्स्ड एडिटेड वर्जन दिखाना चाहूंगी, जहां चिल्लाती भीड़ से सिर्फ धीरेन शाह की आवाज को साउंड मिक्सिंग की मदद से उभारा गया है।
इससे बेहतर सबूत आपको और कोई नहीं मिल सकता। इजाजत है। कहना चाहेंगे मिस्टर डिफेंस काउंसिल? धीरेंद्र साफ चिल्ला रहा है, मुझे सड़क पे लाने की कीमत तुम्हारी मौत है। इसका क्या मतलब है? इंटेंट टू मर्डर। ये तो कोई बेवकूफ भी बता सकता है। बेवकूफ नहीं, एक जीनियस इस बात पर अब रोशनी डालेगा। योर ऑनर, इजाजत चाहता हूँ फोरेंसिक एक्सपर्ट मिस्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने। इजाजत। हाउ आर यू मिस्टर रस्तोगी? फाइन, थैंक यू सर। ये जो सारा फुटेज है आपने देखा? जी हाँ। योर ऑनर, मैं कोर्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात पर कि जिस पल वो धमाका हुआ उस समय मिस्टर धीरेन्द्र शाह कंटिन्यूअस नॉनस्टॉप बिना पॉज लिए बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी कोर्ट को समझाए। सर, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन बोलने के लिए फ्रंटल लोब के हिस्से का उपयोग करता है। गोली चलाते समय भी उसी फ्रंटल लोब पर दबाव डाला जाता है, और यदि दोनों कामों को एक साथ करना पड़े तो डबल दबाव से बचने के लिए ब्रेन उन दोनों एक्शंस को आगे पीछे करता है, लेकिन एक साथ नहीं। ये काम तो एक एक्सपर्ट निशानेबाज ही कर सकता है। हाँ, लेकिन मिस्टर धीरेन्द्र शाह एक्सपर्ट निशानेबाज नहीं, ये हम सब जानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? मेरा कहने का अर्थ ये है योर ऑनर कि जिस समय वो गोली चली उस समय मिस्टर धीरेन्द्र शाह कंटिन्यूसली नॉनस्टॉप बात कर रहे थे, और डॉक्टर निशाना साधकर गोली चलाना नामुमकिन है, यही इनकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। और भी सबूत है मेरे पास। योर ऑनर, ये वही गन है जो मौका वारदात से पाई गई। इसी गन से निकली हुई गोली ने रेहान खान की हत्या की। द मर्डर वेपन। मिस्टर शाह, क्या ये गन आपकी? जी नहीं। थैंक यू। डॉक्टर रस्तोगी, क्या इस मर्डर वेपन पे मिस्टर धीरेन्द्र शाह की उंगलियों के निशान हैं? जी नहीं। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के अनुसार इस गन पर प्रोड्यूसर गोवर्धन तलरेजा के उंगलियों के निशान हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी, यू मे टेक योर सीट। थैंक यू योर ऑनर। एक, धीरेन्द्र शाह के गन से गोली चली इसका कोई सबूत नहीं। जिस वक्त गोली चली उस वक्त धीरेन्द्र शाह कंटिन्यूसली नॉनस्टॉप बोल रहे थे, और फोरेंसिक्स के अनुसार ऐसे में वो निशाना साधकर गोली नहीं चला सकते थे। तीन, मर्डर वेपन इनका नहीं, चार, मर्डर वेपन पे इनकी उंगलियों के निशान। मेरा केस इन्हीं चार खंभों पे खड़ा है। खंभे नहीं, ये चार कंधे हैं जिन पे आपकी केस की अर्थी जाने वाली है। एक, धीरेन्द्र शाह की गन के ना चलने का कोई सबूत नहीं है। दूसरा, धीरेन्द्र शाह बोलते समय गोली चलाने के योग्य हैं, क्योंकि जवानी में वो स्टेट लेवल के शूटिंग चैंपियन थे। ये रहा उनका सर्टिफिकेट। क्या हुआ, होमवर्क ठीक से नहीं किया? और रही बात इस गन की, तो मिस्टर शाह, ये कत्ल का औजार, ये गन क्या आपकी नहीं? मैंने कहा ना नहीं। तो फिर आपकी गन कहाँ है जिसे आप साथ लाए थे? जी, वो जब मेरे हाथ से गिर गई भीड़ में खो गई, और उसका सीरियल नंबर D40202 है। पुलिस को इस नंबर की क्या वहां पर कोई भी गन नहीं मिली? ये नंबर जो आपने मुझे बताया, ये नंबर आपके गन के लाइसेंस पर होगा। आपका गन का लाइसेंस तो आपके पास है। जी नहीं, वो 2 साल पहले खो गया। खो गई, लाइसेंस खो गया, गन खो गई।
क्या सबूत है कि ये कत्ल करने वाली गन आपकी नहीं? योर ऑनर, अगर इस गन को ट्रेस किया जाए तो मुझे कैसे कैसे ट्रेस किया जाए? इस गन का तो सीरियल नंबर बड़ी होशियारी से मिटा दिया गया है। हाँ, लेकिन इस गन पर मिस्टर धीरेन शाह की उंगलियों के निशान भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मिस्टर गोवर्धन तलरेजा इस गन को नहीं उठाते तो मिस्टर धीरेन शाह इस गन से किसी और का कत्ल भी कर सकते थे, सबसे पहले खुद मिस्टर गोवर्धन तलरेजा का। ये तुम किस आधार पर कह रही हो? दुनिया जानती है कि रिहान खान ने मिस्टर शाह की फिल्म इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मिस्टर तलरेजा ने उन्हें दुगने पैसे दिए थे अपनी फिल्म करने के लिए। जाहिर सी बात है, मिस्टर धीरेन शाह की दुश्मनी तलरेजा से भी है। और अब मेरा सबसे मजबूत इक्का, जो बिना किसी डाउट के यह साबित कर देगा कि खून धीरेन शाह ने ही किया है, इंस्पेक्टर दवे। इंस्पेक्टर दवे, फोरेंसिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रेहान खान के पोस्टमार्टम और टीवी चैनल्स के फुटेज देखने के बाद फोरेंसिक को यकीन है कि गोली धीरेन शाह की गन से निकली थी। धीरेन शाह का हाथ जिस एंगल और डायरेक्शन में था वो डायरेक्ट रेहान खान के सीने पे पॉइंट था और गोली भी ठीक उसी एंगल से लगी। गोली का इंपैक्ट और डैमेज वही था जो 21 से 22 फीट की दूरी से चलाने से होता है। और धीरेन शाह खड़े थे 22 फीट जहां से गोली चलाई गई थी। इसका साफ मतलब है कि कोई दूसरी गन नहीं थी, यही एक गन थी जिससे धीरेन शाह ने रिहान खान का कत्ल किया। अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये कि रिहान खान की रूह का यहां आना और कहना कि उनका खून धीरेन शाह ने किया है। राइट मिस्टर डिफेंस काउंसिल? Court is adjourned. Saved by the bell. ये धीरेन शाह और ये है फिल्म स्टार रेहान खान। पुलिस का कहना है कि गोली 21 या 22 फीट दूर से चली। धीरेन शाह रेहान खान से 22 फीट की दूरी पर था, लेकिन धीरेन शाह का कहना है कि गोली उसने नहीं चलाई। अगर धीरेन शाह ने गोली नहीं चलाई तो गोली किसने चलाई? वो आदमी जो 21 फुट पर खड़ा था। करेक्ट, वो आदमी जो 21 फुट पर खड़ा था धीरेन शाह से एक फुट आगे। मिसेस बिलमोरिया, यू आर अ जीनियस। एंगल वही, डायरेक्शन वही, फर्क है तो सिर्फ एक फुट का। हाँ जिलमिल, आ गया तो दिल्ली से? ठीक है, मैं आता। के जी, कमिंग। देखो मेरे लिए कोई फ्लावर्स भेजा है। हैंडराइटिंग सेम है। पीटर, उनको देख क्या चाहिए। हाँ उनको सुनना। हाँ, तुझे दिल्ली जाने का और कोई टाइम नहीं मिला? अरे यार बहुत अर्जेंट था, थोड़ा पॉलिटिकल चक्कर भी। चल ठीक है, वैसे भी देर नहीं हुई। ये बता, ये जो फिल्म स्टार है ना रेहान खान, उसके बारे में तू क्या जानता है? अरे रेहान खान क्या यार, पूरी इंडस्ट्री का कच्चा चिट्ठा जानता हूँ मैं। रोज का दिन रात का उठना बैठना हीरो हीरोइन के साथ, और कुछ के साथ तो बहुत ही क्लोज रिलेशन है, यू नो। इतनी हीरोइन को तो मैंने फिल्में दिलाई है यार, और वो है जिसकी लास्ट फिल्म हिट हुई थी यार, क्या नाम है उसका, काले लंबे बाल गोरी सी, क्या है वो? सुनना जलमिल सुनना, रेहान खान उसके बारे में क्या जानता है? रेहान खान,
देख यार केडी, ये गुजरे हुए के बारे में बुरा बोलना बुरी बात है यार, लेकिन हकीकत ये है कि बड़ा ही कमीना आदमी था रेहान खान यार। कैसे? नहीं नहीं, मतलब अपने आप को भगवान समझने लगा था और सोचता था कि किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए दुश्मन पाल लिए थे उसने, और एक नहीं चार। प्रोड्यूसर गोवर्धन, डीए बग्गा, वो स्टार सार्थक और पत्नी नीलिमा। इंस्पेक्टर दवे, रेहान खान का कत्ल इसी दिशा में, इसी एंगल में, इसी दायरे में हुआ था। आपने कहा था कि गोली 21-22 फीट दूर से चली, और 22 फीट दूर मिस्टर धीरेन शाह खड़े थे। इज दैट करेक्ट? राइट। जरा उस फ्रेम को देखिए, वहां एक औरत खड़ी है धीरेन शाह के बिल्कुल आगे, धीरेन शाह से 1 फीट की दूरी पर, यानी कि रेहान खान से 21 फुट की दूरी पर, उसी एंगल में, उसी दिशा में, उसी दायरे में। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या यह मुमकिन है कि गोली इसी औरत ने चलाई हो? इज इट पॉसिबल? ऑर्डर, ऑर्डर। आप? योर ऑनर, ये रेहान खान की फिल्म साजिश की हीरोइन है, मिस झरना। इंस्पेक्टर दवे, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले, क्या यह मुमकिन है कि इस औरत ने इस गन से गोली चलाकर रेहान खान का कत्ल किया हो? जी नहीं। क्यों? क्योंकि गन सिर्फ धीरेन के हाथ में थी। हाँ, लेकिन धीरेन शाह बार बार कह चुके हैं कि गन चलाने से पहले उनकी गन जैम हो गई थी। जिसका कोई सबूत नहीं, क्योंकि वो गन अब तक किसी को मिली नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या ये मुमकिन नहीं कि इस औरत ने जो धीरेन शाह के सिर्फ 1 फुट आगे थी, भगदड़ में गिरी गन को अपनी गन के साथ, इस मर्डर वेपन के साथ बदल दिया हो? देखिए उसका दाहिना हाथ उसकी पर्स के पीछे छुपा हुआ है, हो सकता है कि उस हाथ में यही मर्डर वेपन। उस औरत के हाथ में गन, लिपस्टिक या फिर सेलफोन है, ये तो तभी साबित होगा जब आप उसे अदालत में बुलाकर उससे पूछताछ करेंगे। क्या वो यहाँ है? योर ऑनर, मैंने उस औरत को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन। तो आप अखबार के मिसिंग कॉलम में उसकी तस्वीर क्यों नहीं देते? कौन सी तस्वीर दे देता? किसकी तस्वीर दे देता? जरा देखिए उस चित्र को। सर पर इतना मोटा विग, चेहरा इतने मोटे चश्मों के पीछे छुपा हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा कि इसके पीछे असली चेहरा किसका है। Your Honor, ये एक भेस है, एक डिस्गाइज। जाहिर सी बात है कि एक एक्ट्रेस जो भेस बदलने में माहिर हो, जो वहां आई थी रेहान खान को कत्ल करने के मकसद से, हो सकता है कि ये मिस झरना हो या फिर रेहान खान की पत्नी, अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस नीलिमा जी। ऑर्डर, ऑर्डर। Your Honor, मैं रेहान खान की हीरोइन मिस झरना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। किस लिए? मिस झरना तो प्रीमियर पर थी ही नहीं। ये गवाही मिस झरना देंगी, आप नहीं, मिस माया फडनिस। योर ऑनर। इजाजत। इंस्पेक्टर दवे, मिस झरना के लिए जगह। योर ऑनर, जब तक मिस झरना यहाँ आती है, मैं दरख्वास्त करता हूँ अदालत से कि इस फुटेज को छाना जाए, अलग अलग एंगल्स ढूंढे जाए इस औरत के, ताकि हम बारीकी से इसे पहचान सके। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। मिस झरना, ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी फिल्म के प्रीमियर में आप गई नहीं। क्योंकि मेरे सर में दर्द था, मैंने प्रोड्यूसर को फोन करके बोल दिया था। मिस झरना, बहुत ये जो मीडिया जो है सर, आप जैसे शरीफ लोगों पर कीचड़ उछालता रहता है। अभी हाल ही में मैंने कुछ पढ़ा था कहीं कि आपके और रेहान के बीच में कोई अफेयर वफेयर। जी नहीं, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। हाँ, आई एम सो सॉरी, यही इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे दोस्त, गहरी दोस्ती। और ये भी सुना है मैंने कि हाल ही में रेहान खान ने अपनी दूसरी को स्टार मेघना के साथ ऐसा ही एक रिश्ता, एक गहरी दोस्ती कायम की थी। क्या आपको उस बात पर बहुत गुस्सा आया था जिसके कारण आप उस रात प्रीमियर में नहीं गई थी? ऐसा कुछ नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, किसी फिल्म मैगजीन में लिखा आर्टिकल यकीन की बुनियाद नहीं बन सकता। सस्टेन एडी,
बिना किसी सबूत के आप किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते। आई एम सॉरी योर ऑनर, आई एम सो सॉरी जर्ना। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था, आई एम रियली सॉरी। देखो ना, मैं वैसे भी तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूँ, और हाँ, मुझसे भी बड़ी फैन है मेरी सेक्रेटरी मिसेज बिलिमोरिया, और अब उन्होंने कहा है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लिए बिना जाऊं तो मुझे अपने ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। प्लीज धरना जी, जरा आप उनके लिए एक ऑटोग्राफ दे देंगे मुझे? बहुत ही सुंदर राइटिंग है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह। अब चरना जी, मुझे ये बताइए कि वो जो फूल भेजे थे आपने, गुलदस्ते भेजे थे मुझे और वहाँ जो बैठी है मिसेस शाह, उन्हें रेहान खान की मौत की मुबारकबाद देनी, वो आपने क्यों भेजे? मैं समझा ही नहीं, क्यों भेजे थे आपने? मैंने कोई गुलदस्ते नहीं भेजे। अच्छा, आपने नहीं भेजे। तो अगर आपने गुलदस्ते नहीं भेजे तो चरना जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस शहर में कोई और शख्स है जिसकी हाथों की लिखावट हूबहू आपसे मिलती है, क्योंकि उन गुलदस्तों पर जो दो कार्ड थे उस पर जो हैंडराइटिंग है और आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल सिमिलर है। एक काम करता हूं मैं, ये दोनों मैं अपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज देता हूं। नहीं, मैंने ही वो गुलदस्ते आपको और धीरेन शाह के घर भेजे थे। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू फॉर द फ्लावर चरना जी, लेकिन क्योंकि मैं खुश थी कि रेहान को अपने किए की सजा मिली, उसने मेरा दिल तोड़कर उस चीप स्टाइलिश मेघना के लिए मुझे छोड़ दिया, और जो तूने मेरे साथ किया। ऑर्डर। मिसेस खान, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ये लीजिए रुमाल। नहीं नहीं, आप रखिए। मिसेस खान, मेरी पूरी सहानुभूति है आपके साथ। आप भी एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, वो भी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। रेहान साहब के बारे में सारी मालूमात होते हुए भी आप इतना प्यार करती थी उनसे कि आपने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया उनके लिए। इतना प्यार करने के बावजूद भी आप उनके इतने बड़े फिल्म के प्रीमियर पे नहीं गई। लोग समझते थे कि रेहान और मैं एक खुशहाल कपल हैं, पर ये सब झूठ था। पिछले 6 महीनों से हमारे बीच बातचीत बंद थी, इसलिए मैं उसके प्रीमियर पे भी नहीं आई। लेकिन आप समझते हैं कि मैंने उसे मारा? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। मैंने ऐसा कब कहा? और कह भी नहीं सकते। मिलॉर्ड मिसेस खान उस वक्त अपनी दोस्त सीमा मेहरा की फिटनेस बुक लॉन्च कर रही थी, और ये रहा उसका सबूत। फुटेज रेडी है। अब आप किस औरत पर उंगली उठाएंगे मिस्टर केडी? कम ऑन केडी, बोलिए कौन है आपका अगला गवाह? कम ऑन केडी, बोलो आपका अगला गवाह है कौन? योर ऑनर, मुझे जवाब ना देकर मिस्टर केडी अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहबा, यू आर माय नेक्स्ट विटनेस। जरा कृपया यहां आइए। मिसेस खान, आप प्लीज बैठे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहबा, मैं चाहता हूं कि आप चलकर मेरी तरफ आए। क्या क्या मजाक है ये? ये मजाक नहीं, मैं कुछ जाहिर करना चाहता हूं अदालत में। प्लीज वॉक टू मी। पर जज साहब। केडी, माया के चलने से इस केस का क्या वास्ता? योर ऑनर, मैं बिल्कुल एक मिनट में आपको बता दूंगा, ओनली वन मिनट। प्लीज योर माया, विल यू प्लीज। थैंक यू मिस माया फडनेस। अब मैं चाहता हूं कि आप घूम कर वापस वहीं चले जाइए। थैंक यू। जरना जी,
क्या आप मेरी तरफ चल के आने की तकलीफ करेंगे जरा प्लीज केरी योर ऑनर एक मिनट नहीं हुआ अभी तक प्लीज सर जी आइए जाइए आप बैठ जाइए राज साहब ये क्या हो रहा है एडी ये अदालत है कोई फैशन शो नहीं है ये तो महिलाओं से रैंप वॉक करवा रहे एक मिनट पूरा हुआ है ऑनर मैं बताता हूँ आपको मैं सिर्फ अदालत पर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि एक औरत जब चलती है तो उसके चलने का अंदाज एक मर्द से अलग होता है क्योंकि उसकी कमर मर्दों से ज्यादा ब्रॉड होते हैं उनके हाथ एल्बो से बाहर की तरफ होते हैं और इसी तरह चलते मर्दों की तरह नहीं आप समझ रहे हैं मैं क्या मैं आपको करके बताता हूं देखिए मर्द इस तरह चलता है और औरत क्योंकि उसकी कमर ब्रॉड होती है वो ऐसे ऐसे चलती है क्या ये कोई बायोलॉजी लेसन है ऑर्डर बायोलॉजी का लेसन नहीं है ये बायोलॉजिक का लेसन है जरा गौर कीजिए उस फुटेज पर वही शख्स जिसने विग लगाया हुआ है और चश्मों के पीछे अपना चेहरा छुपाया हुआ है उसके चलने का अंदाज कुछ इस तरह हो जैसे कि वो एक मर्द है बिल्कुल सही कहा है और ऑनर औरत नहीं मर्द है order, order. इसी बात पर रोशनी डालने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहता हूं साजिश फिल्म में रेहान खान के को स्टार मिस्टर सार्थक सिन्हा हाय मिस्टर सिन्हा बड़ी अजीब सी बात है कि आप भी उस रात प्रीमियर में नहीं गए मैं अपने फ्री टाइम में थिएटर करता हूं ओह दैट्स नाइस और उस रात भी मैं गोल्डन थिएटर में बैठा अपने नेक्स्ट प्ले की लाइंस रिहर्स कर रहा कोई गवाह जी नहीं मिलोर्ड मुझे कल सुबह तक का वक्त चाहिए गवाह पेश करने के लिए ताकि मैं साबित कर सकूं कि सार्थक सिन्हा का भी इस खून से कोई लेना देना नहीं मिलोर्ड कल तक ग्रांटेड द कोर्ट इज अर्जेंट ऑर्डर ऑर्डर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए योर ऑनर ये है गोल्डन थिएटर का सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने सार्थक सिन्हा को प्रीमियर की रात गोल्डन थिएटर में खुद रिहर्स करते हुए देखा जी साहब सिन्हा सर एकदम आगे की सीट पर बैठे हुए तकरीबन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अपनी लाइनें याद करते गए जी हाँ हमने उन्हें खुद देखा है वो बहुत मेहनती एक्टर है सर अब आप जा सकते योर ऑनर पहले तो केडी ने दावा किया कि खून धीरेन शाह ने नहीं उनके आगे खड़ी किसी औरत ने किया है क्या हुआ उस दावे का उनके दोनों ही सस्पेक्ट्स नीलिमा और झरना मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं थे फिर केडी जी ने दावा किया कि एक औरत नहीं ये तो एक मर्द है क्या हुआ उस दावे का कुछ नहीं सार्थक सिन्हा भी मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं थे तो कौन था मौका वारदात पर जिसके हाथ में गन थी और होठों पर धमकी कौन धीरेन शाह कौन धीरेन शाह ने किया उसने पहले रेहान खान को धमकी दी और फिर उस पर गोली चलाई भगदड़ में बड़ी ही चालाकी के साथ उसने वो गन गोवर्धन तलरेजा की ओर फेंकी तलरेजा ने वो गन उठाई और गलती से धीरेन शाह की उंगलियों के निशान उस गन पर से मिट गए और इस छोटी सी गलती के बेस पर आपने अपना पूरा केस खड़ा कर दिया बहुत ही कमजोर केस है केडी इस केस का फैसला 13 दिसंबर को होगा अगर इस फैसले को बदलना है केडी तो तुम्हें उस औरत को या मर्द को कोर्ट में लाकर बहुत कुछ साबित करना होगा कोर्ट इज अर्जेंट दुश्मन पांडे थे दुश्मन पांडे एक नहीं एक चार प्रोड्यूसर गोवर्धन बीए मग्गा वो स्टार सार्थक पत्नी जी आज मेरी फिल्म का प्रीमियर होना चाहिए था पर तू वहां और मैं यहां नहीं मिलोर नहीं मैं उसे मारने गया था लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई मेरी गन तो जाम हो गई थी गोली किसी और ने चलाई थी मिलोर
मर्डर वेपन पे मिस्टर धीरेन शाह की उंगलियों के निशान हैं? जी नहीं। धीरेन शाह का कहना है कि गोली उसने नहीं चलाई। अगर धीरेन शाह ने गोली नहीं चलाई तो गोली किसने चलाई? वो आदमी जो 21 फुट पर खड़ा था। वो जरा गौर कीजिए उस फुटेज को। वही शख्स जिसने विग लगाया हुआ है, चश्मों के पीछे अपना चेहरा छुपाया हुआ है, उसके चलने का अंदाज कुछ इस तरह हो जैसे कि वो एक मर्द है। बिल्कुल सही कहा योर ऑनर, औरत नहीं मर्द। योर ऑनर, पहले तो केडी ने दावा किया कि खून धीरेन शाह ने नहीं, उनके आगे खड़ी किसी औरत ने किया। फिर केडी जी ने दावा किया कि एक औरत नहीं, ये तो एक मर्द। सार्थक सिन्हा भी मौका वारदात पर मौजूद नहीं थी। तो कौन था मौका वारदात पर जिसके हाथ में गन थी और होठों पर थम थी? कौन? हेलो एवरीवन। हेलो माया। हाय माया, कल 13 दिसंबर है, रेहान खान मर्डर केस का फैसला। ऑल द बेस्ट माया, लगता है इस बार फाइनली तुम केडी को हरा पाओगी। जी जज साहब, कहाँ? गोल्डन थिएटर? यस। जज साहब, ये सब यहाँ? माया, केडी ने सबको यहाँ 2 बजे बुलाया और कहा है कि बाहर वेट ना करें, सीधा अंदर चले थिएटर में, बस आप ही का इंतजार था। लेट्स गो। बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने। अच्छा हाँ, आजकल ट्रैफिक बहुत होता है। आइए आइए प्लीज। हमें यहाँ क्यों बुलाया केडी? ये बताने के लिए जज साहब की धीरेन शाह बेगुनाह है। उस रात प्रीमियर पर रेहान खान का खून उसी औरत ने किया जो धीरेन के सामने खड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे खड़े धीरेन शाह भी उसी इरादे से वहां आए। इसीलिए बिना ये जाने भगदड़ मची, बड़ी चतुरता से उसने वो गन उठाई, अपनी गन वहां छोड़ी और भागती हुई भीड़ में गायब हो। ये सब तो तुमने अदालत में भी कहा था, पर वो औरत कौन थी? वो औरत नहीं, एक आदमी है, वही आदमी जो उस रात इसी कुर्सी पर बैठे अपने ड्रामे की रिहर्सल कर रहा है। सार्थक सिन्हा, कम ऑन केडी, एक इंसान एक ही समय पर 2 जगह कैसे हो सकता है? केडी, तुम यहां? तुम वहां कौन है? योर ऑनर, वो मैं ही हूँ, एक ही इंसान एक ही समय पर 2 जगह। कम ऑन केडी, अब इन्हें और मत तड़पाओ, मेरी असलियत का राज बता ही दो। As you say, KD2, आइए। Good boy. पुतला, टेप रिकॉर्डर के साथ? जी इंस्पेक्टर दवे, टेप रिकॉर्डर के साथ पुतला। What an intelligent observation. Your Honor, मैं जब पिछले 3 दिनों से सस्पेक्ट्स के गवाहों की तफ्तीश कर रहा था, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया। यहां आया तो मैंने देखा कि उस कुर्सी पर एक कील पड़ी थी और कुर्सी के नीचे एक टूटी हुई उंगली। मैं पीछे स्टोर रूम की तरफ गया। वहां वही लाल ड्रेस, वही विग और हूबहू वही पर्स भी दिखा। फिर मैंने देखा वही मैनेक्विन। जिसकी टूटी हुई उंगली मुझे चेयर के नीचे मिली थी। का मतलब ये हुआ यार कि सार्थक सिन्हा ने उस रात को वही किया जो मैंने आज किया। इसी कुर्सी पर सार्थक सिन्हा ने अपने पुतले को बिठाया, पुतले के साथ टेप रिकॉर्डर
जिसमें पहले से ही उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि वहां खड़े गार्ड्स को इस भ्रम में डाल सके कि वो यहां बैठकर अपनी लाइंस की रिहर्सल कर रहा है। असल में उसने औरत का भेष बदला। प्रीमियर पे गया, रेयान खान का खून किया। जब उसे पता चला कि इत्तेफाकन उसके ठीक पीछे धीरेन शाह भी गन लेकर खड़ा है, तो उसने भगदड़ का फायदा उठाया और धीरेन शाह की गिरी हुई गन से अपनी गन बदल ली और यहां आकर फिर से बैठ गया। अब लाइंस रिहर्स करता रहा। वेल डन। थैंक यू योर ऑनर। और अब तुम्हारी बारी अकेली। मैं इंस्पेक्टर दवे, भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना सब लोगों की जान चली जाएगी। प्लीज सार्थक, तुम जो चाह रहे हो वो करो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और तुम्हारे एक फायदे की बात भी है। कैसा फायदा? फायदा बाद में बताऊंगा, पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये बताओ कि हम सब ये मानते हैं कि तुम बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हो, इतना ब्राइट फ्यूचर था तुम्हारा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि उस रेहान खान ने ना सिर्फ मेरा रोल बल्कि मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया। हाँ, मैं मेघा से प्यार करता था, बहुत प्यार, लेकिन उस रेहान खान ने उसे भी बदल डाला और इसीलिए मैंने उसे खत्म कर डाला। और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर डालूंगा। एक मिनट सार्थक, एक मिनट सार्थक, तुम्हारे वो फायदे की बात, वो गोलियों के बगैर तो गन बेकार होता है। देखो, मैंने एक साथ दो जाने बचा ली, मेरी भी और तुम्हारी भी, हुई ना फायदे की बात। इंस्पेक्टर दवे, ही इज ऑल योर्स।